जब हम नए डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रॉ डिज़ाइन होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं वानी टेक। दोस्तों, एमएस पेंट के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम एमएस पेंट में डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं ये देखेंगे। इससे पहले जो दो एपिसोड बनाए हैं इसमें हमने एमएस पेंट में जो कमांड्स है उसके बारे में डिटेल में बताया है। चाहे तो आप वो पीछे जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। इस एपिसोड में हम ड्राइंग या डिज़ाइन बनाना चालू कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन चालू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एमएस पेंट चालू कर देते हैं। अरे एमएस पेंट यहाँ पे चालू हो चुका है। प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे मैं इसको पिक्सल में कन्वर्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। सबसे पहले फाइल को मैं यहाँ पे नाम कुछ दूंगा और सेव कर दूंगा इसको यहाँ पे। नेचुरल नाम देके मैंने यहाँ पे इसको सेव किया है। ठीक है, मेरा नाम यहाँ पे आया तो इसका मतलब है मेरी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। कंट्रोल एस दबाने से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। डिजाइन बनाने यहाँ पे चालू कर देते हैं। सबसे पहले मैं कर्व को यहाँ पे लूँगा, इसको ड्रॉ किया, इसको हाइट दिया और ठीक हाइट पे इसको मैंने यहाँ पे सेट किया। इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया यहाँ पे मैंने। आगे यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा, इसको ठीक जगह पे मैं फिक्स कर दूँगा। देखिए यहाँ पे अगर डिज़ाइन बनाते वक्त कुछ गैप रह जाए तो उसको भी यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा है तो पेंसिल से इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा ताकि कलर फिल करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। पूरा यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। व्यू में जाके इसको जूम आउट करूँगा पूरा पिक्चर। यहाँ पे 100% पे करने के बाद भी यहाँ से पिक्चर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे करो को फिर से एक बार लूँगा मैं यहाँ पे और इसको यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँगा और इसको यहाँ से मैं सीधा लाइन दूँगा। अब यहाँ पे मैंने सर्कल को लेना है। यहाँ पे शिफ्ट दबा के आप यहाँ पे इसको बड़ा या छोटा यहाँ पे कर सकते हो। फिर से एक बार यहाँ पे मैं करो को लूँगा और यहाँ पे ट्री बनाऊंगा मैं, देख लीजिए। इसके बाद इसको और एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे ट्री का पोर्शन बन चुका है। आगे जाके इसमें यहाँ पे मुझे सर्कल डालना है थोड़ा ताकि कलर फिल करने के बाद यहाँ पे कुछ दिक्कत ना आए। इस तरीके से इसको थोड़ा बाजू में हिला देते हैं इस तरीके से। इतना वाला पोर्शन यहाँ पे लेते हैं, बाकी इसे जूम आउट कर देते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। यहाँ पे इरेजर लेते हैं, इरेजर से यहाँ से पॉइंट जो पूरे हैं उसको यहाँ से हटा देते हैं, देख लीजिए। आगे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको भी थोड़ा सा जूम करके यहाँ से हटा देते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे जाके 100% कर देते तो यहाँ पे ये पूरा बन चुका है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ट्रिक जैसा बनाना है तो देखिए उसको कैसे बनाते हैं हम। इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ करें। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको डिज़ाइन कर्व करके लेना है, देख लीजिए किस किस जगह पे। जब हम नए डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रॉ डिज़ाइन होना चाहिए। इसको यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ। देखिए अभी आगे भी कंटिन्यूस कर देता हूँ यहाँ से। इस तरीके से आगे ऊपर करते करते मुझे पूरा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट करना है, देख लीजिए अभी यहाँ पे किस तरीके से बना रहे हैं हम। यहाँ पे मैग्नीफायर का इस्तेमाल करके इसको जूम करेंगे और थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पे जाके इरेजर्स का इस्तेमाल करके हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, देख लीजिए आप। जैसे यहाँ का काम होगा थोड़ा आगे पेज लेंगे
ठीक है, और आगे जाके यहाँ पे यहाँ इस्तेमाल करके इसको हटा देंगे। पेज को थोड़ा आगे लेते हैं, यहाँ का पोर्शन भी हमें हटाना है क्योंकि कलर करना है अभी यहाँ पे हमें। देख लीजिए आगे जाके यहाँ पे इसकी साइज छोटी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी इसको यहाँ से हटा देते हैं। जो अभी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये डिज़ाइन आसान है, इसीलिए इसको सिलेक्शन किया है मैंने। अब इसको 100% कर देते हैं। यहाँ पे ये पहाड़ी है, यहाँ पे बाकी का जो है और ये रोड का है, अभी इसको बाकी डिनर करना है। ये सन है और ये अभी नारियल का पेड़ है, तो नारियल का पेड़ का अभी यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है। इसको कैसे बनाते हैं देखो आप लोग। इसको पहले सबसे पहले यहाँ पे जूम करके लेंगे, इस तरीके से जूम करने से आपको काम करने में आसानी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे कर्व को इस्तेमाल कर दीजिए, जैसे कर्व यहाँ पे सिलेक्शन होता है वैसे यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रॉ करें और इसको हल्का सा थोड़ा यहाँ पे मोड़ दें और इसको यहाँ पे फिक्स कर दें। फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे खींचते हैं, फिर इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। आगे जाके यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे और आगे यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे। देखिए आप इसको फिक्स किस तरीके से कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे जो रहते हैं उनके लिए बहुत आसान रहेगा डिज़ाइन। देखो इसको थोड़ा यहाँ से हल्का सा मोड़ देते हैं और फिक्स कर देते हैं, फिर थोड़ा यहाँ से यहाँ तक उठा लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ से फिक्स कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे और इसको यहाँ पे थोड़ा फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे ये फिक्स हो गए। इसके नारियल के पत्ते अभी यहाँ पे हमें दिखाना है, इसके लिए पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और नारियल के पत्ते यहाँ पे हम बनाएंगे। देखिए आप किस तरीके से यहाँ से बना रहे हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ तक। आगे यहाँ से इसको भी फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ तक, ये बाजू में भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नारियल के पत्ते बन चुके हैं, अभी और एक बाकी है उसको भी कंप्लीट करेंगे और इसमें बाकी के डिज़ाइन जो है बाकी अभी उसको भी अभी कंप्लीट करना है हमें। तो अभी जूमिंग करके इसको हमने देखा, यहाँ पे छोटे छोटे नारियल बना देते हैं, यहाँ पे हमने बनाया देखो, ठीक है, यहाँ पे नारियल हमने बनाया है। फिर मैग्नीफायर को हमें जूम आउट करना है, तो आगे जाके आप यहाँ पे डिज़ाइन बाकी का पोर्शन बना के ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेंसिल ले ली, यहाँ पे मैं रोड का बाजू का जो साइट है उसको बना के लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने रेड यहाँ पे फिल किया, उसके बाद यहाँ पे ब्लू करूँगा। शायद यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन कट हो चुका है, तो अंडू करके यहाँ पे मैं जो पोर्शन है उसको यहाँ पे जूम करूँगा। यहाँ पे देखिए लाइन कट हो चुकी है, इसकी वजह से वो पूरा कलर यहाँ पे फिल हो रहा है। पहले लाइन को यहाँ पे मैं ड्रॉ करके कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ अभी। इस तरीके से मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ड्रॉ करते वक्त लाइन कहीं पे कट हो चुकी है, इसको जाके पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पहले ब्लैक कलर लेंगे, यहाँ पे पेंसिल लेंगे और जहाँ पे पोर्शन टूटा है वहाँ पे पोर्शन जोड़ देंगे और फिर इसी साइज़ में यहाँ पे हम कलर डालेंगे। यहाँ पे फिर हो रहा है, तो यहाँ पे टूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे ड्राइंग करते वक्त कभी कभी पोर्शन टूट जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हम कलर थोड़ा डाल देते हैं, इसको और थोड़ा जूम कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बड़ा करके यहाँ से हम इसको यहाँ से ड्रॉ करते कलर करके लेंगे। ठीक है, इसके बाद नारियल का यहाँ पर पत्ता है, इसको भी करेंगे। अब नारियल को भी यहाँ पे कलर हमें फिल करना है, तो नारियल को हम यहाँ पे कलर फिल करेंगे। थोड़ा सा कलर में जाके एडिट यहाँ पे करेंगे, थोड़ा और लाइट लेंगे, ऐड करेंगे, ओके करके यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन पे भी कलर यहाँ पे फिल करके ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कलर डालेंगे, जिस पोर्शन में हम कलर नहीं डाल सकते वहाँ पे जूम करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे और वहाँ पे कलर फिल करेंगे। ठीक है, जमीन वाले पोर्शन पर यहाँ पे थोड़ा अलग डालेंगे कलर। यहाँ पे कट हुआ है नीचे पोर्शन, देख लीजिए ये बाजू में, तो यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन ले लेंगे, तो यह वाला पोर्शन पूरा कलर करके यहाँ पे फिर कलर डालेंगे इसमें। ठीक है, थोड़े कलर में चेंजेस हो गए यहाँ पे, इसको यहाँ से पिकअप से लेंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पिक करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अब ये सही हो गए हैं यहाँ पे कलर। इसके बाद यहाँ पे ब्लैक वाला कलर डालेंगे, जिसे अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर हो सके। यहाँ पे हमने कलर फिल किया है, देखो। अब थोड़ा बाजू में भी कलर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए ऐसे लगता है मुझे। ठीक है, यहाँ पे पोर्शन थोड़ा बड़ा के यहाँ से लेते हैं। हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और साइज यहाँ पे ले लेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको कलर में कुछ डिफरेंस और भी चाहिए तो यहाँ से आप जो कलर चाहिए वहाँ से सिलेक्ट करके ऐड करो, ओके कर दो उसको और यहाँ पे पेस्ट करके उसको करके ले लो। ठीक है, ये हमने जो देखा इसमें खाली टूल का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किस तरीके से करना है, या आप नए हो तो पहले सीखने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो या गृहिणी हो या पहली बार आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो इसके बेसिक कमांड आप सीख लीजिए। आगे वाले जो ट्यूटोरियल रहेंगे इसमें से आगे जाके हम अच्छी तरीके से डिज़ाइन उसमें दिखाएंगे आपको। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले नए हर एपिसोड का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।